हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जॉटिक रसोई। आज हम बनाने वाले हैं बिहार की फेमस लिट्टी चोखा। हर जगह की कोई ना कोई ट्रेडिशनल डिश होती है और बिहार की ये डिश पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस डिश में सत्तू का, अचार का और साथ ही अदरक, लहसुन और घी का जो टेस्ट आता है ना, इसे अगर आप एक बार खाएंगे ना, आपको मन करेगा कि आप बार बार खाएं। और आज ये रेसिपी मैं बहुत ही इजी प्रोसेस में आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पे हम चोखा तैयार कर लेंगे। चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बैगन लिया है। बैगन को हम बीच में से इस तरीके से हल्का सा चीरा लगा लेंगे। पूरा कट नहीं करना है, आप इसमें हल्का सा चीरा लगाएं। इससे दो फायदे हैं। पहला तो इसके अंदर कोई कीड़ा है या नहीं, ये हम हल्का सा देख सकते हैं। इसको अगर हम बीच में से चीरा लगा के देखेंगे तो हमें अंदर तक पूरा दिख जाएगा। साथ ही जब हम इसको गैस में पकाएंगे ना, हमारा जो बैगन है बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। और जहाँ जहाँ पे मैंने चीरा लगाया है वहाँ पे मैंने मिर्चा और लहसुन ये दोनों डाल दिया है। इससे क्या होगा, मिर्चा और लहसुन जब हमारा गैस में पकेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चोखा का। थोड़े थोड़े दूर में आप बैगन में हल्का हल्का चीरा लगा दें। तो यहाँ पे हमारा बैगन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पे सरसों या फिर रिफाइंड तेल, कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टमाटर में भी इसी तरीके से ऑयल को ग्रीस कर लीजिए। यहाँ हमारा टमाटर और बैगन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे गैस में पका लेंगे। गैस में पकाने के लिए जिससे हम रोटी सेकते हैं उसको मैंने गैस में चढ़ा लिया है, और बैगन और टमाटर को मैंने इसी पे रख के अच्छी तरीके से पका लिया है। टमाटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में हमारा टमाटर पक के रेडी हो जाएगा, पर बैगन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी बीच में हम हमारे आटे को गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए आपको जितना आटा क्वांटिटी चाहिए आप उतना आटा ले लीजिए। उसमें आपको ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक और साथ ही घी। घी से क्या होगा, हमारा आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट होगा और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके में से हमें यहाँ पे आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेना है। यह हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको आटा बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। आप इसको मीडियम रखें ताकि हमारा लिट्टी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बने। और जब हमारा आटा अच्छी तरीके से गूंदना हो जाएगा, हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम इसे ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सत्तू का स्टफिंग। यहाँ पे मैंने ले लिया है सत्तू। आप अपने हिसाब से सत्तू यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे 300 से 400 ग्राम सत्तू ऐड किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रश करके अजवाइन ऐड कर लिया। साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे कलौंजी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अदरक, ग्रीन चिली, साथ ही लहसुन और चॉप किया हुआ ऑनियन। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आप ध्यान रखें यहाँ पे आपको चॉप किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है। इससे हमारा जो टेस्ट है सत्तू का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे अचार। अचार और अचार का तेल आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे आप नॉर्मल कोई भी अचार ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आम का अचार ऐड किया है। आप चाहो तो यहाँ पे आप मिक्स अचार भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही अचार का जो तेल होता है आप उसे भी यहाँ पे ऐड करें। और साथ ही अब आपको यहाँ पे ऐड करना है नमक स्वाद अनुसार। नमक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लिए। साथ ही खूब सारे धनिया पत्ता आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इन सारे चीज़ों को आप मिक्स कर लें। अब हमें यहाँ पे हल्का हल्का पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करके हमें इसका एक स्टफिंग बना लेना है। जब आप यहाँ पे पानी ऐड करें आप ध्यान रखें यहाँ पे आप थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर लें।
इससे हमारा स्टफिंग का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक नींबू को अच्छी तरीके से गार के यहाँ पे उसके रस को ऐड कर लिया है। हमें इस स्टफिंग को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल इसे हमें भुरभुरा सा रखना है ताकि ये हम अच्छी तरीके से आटे में भर सके। आप यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप इसको मिक्स करते रहें। देखिए ये कैसा भुरभुरा सा बिल्कुल एक फ्री फ्लोइंग एक हमारा स्टफिंग रेडी हुआ है। आपको इसको इस तरीके से बनाना है ताकि जब आप इसको हाथ में लेके एक बॉल शेप में अगर आप इसको शेप दे तो ये बिल्कुल इस तरीके से एक शेप में आ जाना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल भुरभुरा है, ना ये बिल्कुल हार्ड है ना बिल्कुल नरम है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें हमारे स्टफिंग को रेडी कर लेना है। तो यहाँ हमारा स्टफिंग हो चुका है रेडी। अब हम चलते हैं हमारे चोखा की तरफ। तो यहाँ हमारा बैगन जो है वो बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने यहाँ पे दो बॉयल किए हुए आलू को भी रेडी रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर का जो पका हुआ जो स्किन था उसको मैंने रिमूव कर लिया है। आलू हमारा ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है और यहाँ जो हमारा बैगन है इसके भी स्किन को हम रिमूव कर लेंगे। देखिए इसको मैंने रिमूव करके एक कटोरी में साइड करके रख लिया है। हमारा बैगन यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से पक चुका है। बैगन के अंदर जो हमने लहसुन और मिर्चा ऐड किया था वो भी यहाँ पे हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। ये मिर्ची बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। देखिए अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन, साथ ही खूब सारे धनिया पत्ता। आपको जितना पसंद है आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरी तरह बैगन पसंद करते हैं तो मैंने इसी चैनल में बैगन का भरता का रेसिपी पहले बनाया है, उसके लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये हमारा मिक्स करके ये हमारा भरता हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हम हमारे फाइनल स्टेप में चलेंगे। अब यहाँ पे हम लिट्टी को रेडी करेंगे। तो हमारा आटा मैरिनेट होते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे। आप जितना बना लिट्टी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे लोई बना लें। बहुत ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पे लोई नहीं बनाना है, मीडियम साइज़ के आप यहाँ पे लोई बना लें। लोई काटने के बाद आप इसको एक राउंड शेप दें और बिल्कुल हाथों में इसको दबाते हुए एक कटोरी का शेप आपको इसको दे देना है। बिल्कुल इस तरीके से 20 से आप इसको दबाते रहें और एक कटोरी का शेप आप इसको दे दें। देखिए कितने अच्छे तरीके से कटोरी के शेप में रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें सत्तू के स्टफिंग को ऐड कर देना है। आपका जितना बड़ा कटोरी होगा आप उसी हिसाब से यहाँ पे आप सत्तू को ऐड करें और इसको 20 से दबाते हुए आप इसको चारों तरफ से फोल्ड करके इसको सील कर लें। सील आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिए ताकि इसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना आ जाए। आप इसको एक बिल्कुल राउंड शेप दे दे इसी तरीके से। देखिए कितना सुंदर सा एक छोटा सा बॉल बन के हमारा रेडी है। कोई कह ही नहीं सकता इसके अंदर मैंने सत्तू भरा है। देखिए कितना सुंदर तरीके से रेडी है। इसी तरीके से हमें सारी लिट्टी को रेडी कर लेना है। बिल्कुल देखिए कितने सुंदर तरीके से। अब हम चले जाएंगे इसको पकाने की तरफ। पकाने के लिए मैंने गैस में एक इस तरीके का तंदूर ले लिया है। ये आपको अमेजन में मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है। अब हम इसमें सारी लिट्टी को चढ़ा देंगे। लो फ्लेम में हमें इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से पका लेना है। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और जैसे ये हमारा एक तरफ से पक जाए आप इसको टर्न करते रहें। आप इसको बीच बीच में टर्न करें ना, नहीं तो ये दूसरे तरफ से जल जाएगी। आप इसी तरीके से सारे लिट्टी को गैस में सेक लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सिकने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे। और इसी तरीके से देखिए कितना अच्छा एक कलर आया है। लो फ्लेम में करने से क्या होगा, ये जो लिट्टी है हमारा बिल्कुल अंदर तक जो है वो बिल्कुल पक जाएगा, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। बस यहाँ हमारा लिट्टी हो चुका है रेडी। देखिए कितना अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और ये रेडी हो चुका है हमारा लिट्टी। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
चोखे के साथ जो बैगन, आलू और टमाटर का जो मैंने चोखा बनाया था उसमें मैंने नींबू का रस गाढ़ा है, उसे हम यहाँ पे ऐड करके प्लेट में हम इसे सर्व करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे खूब सारे धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम का चटनी भी बनाया है। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं इसका रेसिपी भी आपको ज़रूर बताऊँगी। अचार, ऑनियन, नींबू और मिर्ची के साथ मैंने इसको सर्व किया है। साथ ही आप यहाँ पे घी ऐड करना ना भूलें, घी से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे घर पे ज़रूर बनाएं और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही टेस्टी सी नेक्स्ट वीडियो में।